नमस्कार दोस्तों, गौतमी रेसिपी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए इडली की जो है रेसिपी लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये जो इडली है वो इतनी वाइट क्यों नहीं है, दाल से ही बनी है, बट ये दूसरी दाल से बनी है। आपको भी पता होगा ये मूंग दाल की इडली है। मूंग दाल की इडली बनाने का नया तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो जो है मूंग दाल ली है छिलके वाली, और चावल लिए है 1/2 किलो। ये हमें दिन भर भिगो के रखना है और रात में इसे पेस्ट करके रात भर हमें एक पतीले में बंद करके रखना है। मॉर्निंग होते ही इसमें हम थोड़ा सा भिगोया हुआ पोहा मिक्सी में जो है पेस्ट करके इसमें ऐड करके पेस्ट बना लेना है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा आटा जो है बनके तैयार हो चुका है, फर्मेंटेड हो चुका है, देखिए दोस्तों। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी ऐड करके इसे चम्मच से गोल गोल करके घुमाते हुए पानी में कंसिस्टेंसी करनी है। इस तरीके से हमें बैटर तैयार करना है। बैटर हमें जो है पतला करना है बिल्कुल भी, ये गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे बैटर को मिक्स करेंगे। अब हमें लेने वाले हैं जो इडली का जो पतीला है वो लेना है, और जो बॉटम में जो है पानी ऐड करना है, फुल पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसमें इमली डाला है। इमली इसलिए डालनी है हमें कि नीचे जो है पानी उबलता है तो काला हो जाता है बर्तन, इसलिए इमली डाली है। तो जो साँचा मैंने लिया है उसमें थोड़ा सा तेल जो है लगा लिया है, क्योंकि हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगी तो इसको कॉर्नर में चिपक जाती है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। हर एक साँचे में जो है हमारा इडली का बैटर मैंने डाल के इसमें जो है पूरा पैक कर लिया है दोस्तों। इस तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए हमें जो है मीडियम फ्लेम पे पकाना है इडली, और पकाने के बाद देखिए इडली इस तरीके से हमें निकालनी है चम्मच से, तुरंत नहीं निकालनी है दोस्तों। 2 मिनट के लिए साइड में रखना है, जो कि भाप होती है वो पूरी साइड में हट जाएगी तो हमारी इडली प्रॉपरली निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी इडली जो है बनके तैयार हो चुकी है। दिखने में सफ़ेद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रीन कलर की हो चुकी है, क्योंकि ये मूंग दाल की इडली है। आप भी ये दोस्तों इडली ट्राई करिएगा, ये पौष्टिक इडली है दोस्तों। हम नॉर्मल जो इडली बनाते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी है जो है इडली बनके तैयार हो चुकी थी। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और चटनी का जो रेसिपी मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, उसका वीडियो भी बना दिया है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।